हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। सो मेनली ऐसा देखें तो यहाँ पे आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो अपने आजू बाजू का जो टेम्परेचर है या मॉइस्चर है या क्या मौसम है, ऐसे बोलते हैं ना कि व्हाट इज़ द वेदर और क्लाइमेट। तो देखो ये दोनों वर्ड्स हम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, शायद यूज़ करते हैं डेली लाइफ में भी, बट एग्जैक्टली इनका अगर मीनिंग देखें तो स्पेसिफिक डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। सो देखो वेदर क्या होता है एक्चुअल में। सो वेदर इज़ अ फीचर ऑफ द डे अबाउट द टेम्परेचर, अबाउट द मॉइस्चर, अबाउट द रेनफॉल, दैट इज़ द यू कैन से मॉइस्चर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी, एंड द स्पीड ऑफ विंड, मतलब हवा की स्पीड, जैसे साइक्लोन आता है, कुछ तूफान आ रहा है, ये सब वगैरह, ठीक है। सो वेदर एक्चुअली होता क्या है, वो होता है कि डेली एवरी डेज मीन्स 24 आवर्स इन अ डे, जैसे हो जो भी परिस्थिति होती है, मीन्स इन अ डे 24 घंटे में टेम्परेचर कितना है या ह्यूमिडिटी कितनी है या रेनफॉल कितना है उस दिन का, वो इंडिकेट करता है। मतलब ये कि वेदर जो है वो डेली परिस्थिति बताता है इन सब के बारे में, मतलब वो टेम्परेचर हो सकता है या ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल, ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। सो वेदर हम लोग अगर फिर से बताना चाहेंगे अगर तो ऐसा बता सकते हैं कि वेदर जो है वो डेली का पैरामीटर है जो चेंज होता रहता है और हर दिन अलग परिस्थिति होती है। मतलब सपोज़ आज 10 बजे मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है या ह्यूमिडिटी है या फिर रेनफॉल की जो कंडीशन है या फिर स्पीड ऑफ विंड जो है वो सेम नहीं हो सकती नेक्स्ट डे एग्जैक्टली उसी टाइम पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है हर रोज़। और दूसरी बात, वेदर जो होता है वो एक्चुअली बहुत वेरिएशन ज़्यादा बताता है। देखो अभी जैसे रेनी सीजन है, ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं अभी कि रेनी सीजन में बारिश होती है, बट किसी को श्योरिटी 100% नहीं होती कि कहाँ पे बारिश आएगा, चाहे जितना फोरकास्टिंग कर लेते हैं हम लोग, लेकिन वेरिएशन होता है और एट लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाता है कि वहाँ पे बारिश होने के बदले धूप आ जाती है, राइट। तो ये कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, भले बारिश का सीजन है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रोज़ बारिश आए या मतलब फ्रिक्वेंटली या कुछ भी, ऐसा नहीं होता, मतलब देर इज़ अ चेंज, कुछ भी चेंज हो सकता है। हम लोग ट्राई करते हैं कि फोरकास्टिंग के लिए जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, पता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो फोरकास्ट करता है प्रभावित असर क्या होने वाला है, टेम्परेचर कितना होगा। आप लोगों के मोबाइल में भी आता है, कॉर्नर में देखना कहीं पे वेदर फोरकास्टिंग जैसा एक ऑप्शन, ठीक है। तो वो डेली की एक्टिविटी बता रहा है कितना टेम्परेचर होगा, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर भी बताता है, मिनिमम टेम्परेचर भी बताते हैं, ठीक है, ऑफ अ डे। सो मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा पता है, दिन का, जब एकदम सन शाइन होगा ऑलमोस्ट 12 to 3 o'clock के बीच में, जब सन रेस ज़्यादा आते हैं उस प्लेस पे। सो मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम, और मिनिमम टेम्परेचर सो वो होगा अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग मतलब रात तक ठंडा होता जाता है, और जब अर्ली मॉर्निंग होती है जस्ट बिफोर सनराइज, मतलब सन जब राइज नहीं होता ना उसके पहले वाला टाइम, वो कूलेस्ट टाइम होता है। सो मिनिमम टेम्परेचर उस टाइम पे होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे डे एंड नाइट में डिफरेंस बहुत आता है टेम्परेचर में, ये भी एक चाहे परिस्थिति। ओके, सो ये सब चीज़ थी अबाउट द वेदर। सो ये हो सकता है एक दिन का हो, मे बी 1 week और मंथ का हो सकता है, बट इससे ज़्यादा टाइम का नहीं होता। इन शॉर्ट ये वेदर जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली शॉर्ट टाइम पे जो चेंजेस हो रहा है ना वो सब परिस्थिति बता रहा है। ओके, सो वेदर के बाद आता है जस्ट दूसरा वर्ड, क्लाइमेट। सो क्लाइमेट क्या है, देखो क्लाइमेट जो है दैट इज़ हम लोग अगर डिफाइन करना चाहेंगे सो इट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। देखो इसकी डेफिनेशन भी कहीं पे है, मैं बता रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर। सो क्लाइमेट द एवरेज दैट इज ऑफ अ वेदर टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड,
जैसे कि 25 साल या 30 साल या 50 ईयर्स का जो एवरेज होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइमेट। सो क्लाइमेट में एक्चुअली क्या होगा पता है, एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि वो एकदम वेरिएशन नहीं बताएगा ज़्यादा। क्लाइमेट मतलब वो एवरेज वाली वैल्यू आती है। सो देखो 25 ईयर्स तक जब रोज़ का डेली का टेम्परेचर, डेली का रेनफॉल और सनशाइन कितना हो रहा है, विंड स्पीड कितना है, ये सब डेली मेजरमेंट हो रहा है, दैट इज़ वो सब कुछ वेदर में चला गया। बट जब ये सब डेटा डेली वाला जो आ रहा है, जो वेदर है, उसका जब एवरेज लेते हैं बहुत लंबा टाइम पीरियड का, लाइक 25 ईयर्स का, तो वो जो वैल्यू मिलती है ना, वो एवरेज वैल्यू, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। सो क्लाइमेट क्या हुआ एक्चुअली, वो पूरा ट्रेंड बताता है। ट्रेंड का मतलब समझ रहे हो आप, कि वो एक्चुअल में क्या इंडिकेट कर रहा है। देखो अब मैं बताता हूँ कैसे इसको समझना है। मान लो हम लोग दो प्लेस लेते हैं, चलो एक इंडिया ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं रसिया। पता है ना रसिया कहाँ पे है, एकदम नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ पोल पे, एकदम पास में पड़ेगा, नॉर्थ पोल पे नहीं है बट उसको बहुत पास में है। सो वहाँ का क्लाइमेट क्या है पता है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, ओह द क्लाइमेट ऑफ रसिया इज़ वेरी एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करता है, बहुत ठंडा होता है, चिल्ड एकदम ठंडा होता है, राइट, -30 और -40 डिग्रीज टेम्परेचर जाता है वहाँ पे कोल्ड सीजन में, राइट। बट इंडिया में क्या होगा, ऑलमोस्ट मॉडरेट, हम लोग ऐसा बोलें, ना ही बहुत हॉट और ना ही कोल्ड, मतलब बहुत इजीली हम लोग आराम से देखो कपड़े पहने बगैर भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है, क्योंकि इतनी धूप भी नहीं होती। अगर ट्री प्लांट के नीचे रहेंगे शेड में तो विदाउट क्लॉथ, आई मीन जो कई लोग तो गाँव में जो होते फार्मर्स, दे नॉर्मली मूव हियर एंड देयर विदाउट सम क्लोथ, ठीक है ना, कुछ पतले कपड़े या कॉटन के कपड़े पहन के चला सकते हैं। एंड सेम वे कोल्ड सीजन में भी इतनी ठंडी भी नहीं पड़ती कि हम लोगों को ऐसी फीलिंग आए, कौन सी, रसिया की तरह, लाइक रसिया या कैनेडा या साइबेरिया, ये सब कंट्री कैसे हैं एक्सट्रीम कोल्ड, तो वहाँ पर तो तीन तीन चार चार पुलोवर, जो इतना मोटा मोटा कंबल भी ओढ़ के सोए ना तो भी यही लगेगा बाप रे कितनी ठंडी है। सो वहाँ पे हमें रूम हीटर हमेशा चाहिए, रूम हीटर बगैर नहीं सर्वाइव कर सकते, राइट। तो ये वाली परिस्थिति है। सो क्लाइमेट में से एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि ओके वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा। सो हम लोग ऐसे बोलें कि ओके कनाडा का क्लाइमेट बहुत कूल है तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं रह सकते, या फिर हम लोग बोले कि ट्रॉपिकल, देखो अब एरिया का भी नाम है अलग अलग, यहाँ पे इस लेसन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, क्लाइमेट जो होता है वो एक्चुअली एवरेज है वेदर का, बट वेदर कितना टाइम पीरियड का, लॉन्ग, बहुत सारा टाइम पीरियड का, लाइक एग्जांपल के हिसाब से 25 साल या 30 साल या 40 साल का हो सकता है, ठीक है। तो क्लाइमेट और वेदर ये दोनों का मतलब समझने के बाद, और एग्जांपल भी देखो पता चल गया आप लोगों को, जैसे मैंने दो कंट्री का दिया, अगर हम लोगों को विद इन कंट्री, अगर इंडिया की बात करनी है ना, तो क्लाइमेट देखो एक नॉर्थ पार्ट में है या साउथ पार्ट में है या मिडल पार्ट में है ना, कंट्री के अलग अलग क्लाइमेट है, ठीक है। देखो नॉर्थ में चले जाओ, देखते हैं हम लोग कश्मीर को, तो वो वाकई में 7 डिग्री या 5 डिग्री विंटर सीजन में जाता है टेम्परेचर, -7 या 5 डिग्री होता है, बहुत कम होता है मतलब कोल्ड की सीजन में। बट मिडल पार्ट में देखो एमपी और गुजरात और ऐसे पार्ट में जो मिडल वाले हैं स्टेट्स, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो कोल्ड सीजन में है ना वो 15 या 17 डिग्री के आजू बाजू रहता है कोल्ड सीजन में। और साउथ इंडिया में चले जाए केरला के आजू बाजू, तो समर में कैसा होगा पता है, नॉट समर, पहले कोल्ड की सीज़न बताऊँ ना, तो वहाँ पे 25 से ज़्यादा होगा टेम्परेचर कोल्ड सीजन में भी, ऑलमोस्ट 20 और मे बी 25, ठीक है। तो रीज़न क्या है यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर होने का, रीज़न क्या है, देखो नॉर्थ में मैंने बताया 7 डिग्री होगा, मिडल में 15-17 डिग्री और साउथ में जाएंगे तो 15-20 डिग्री, राइट। और सेम वे समर सीजन में देखो, समर में नॉर्थ में होगा तो एकदम एक्सट्रीम, अगर टॉप पे जा रहे हैं
कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे मे बी 35 या 30 डिग्री होगा। मिडल इंडिया में देखो तो 45 तक हो सकता है, एंड साउथ में अगेन जाएंगे ना तो 45 से कम आएगा, ठीक है। सो देखो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारा फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है या तो ऐसे ही सब जगह होगा, नहीं। अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया, सन रेस, लोकेशन ऑफ दैट लैंड मास, लाइक जो इक्वेटर के कितने पास में है लैंड मास, वो जगह कितनी दूर है उस पर भी डिपेंड है। उसके अलावा लाइक ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन हिल्स, एंड अनोदर फीचर है जो लैंड मास है जहाँ पे टेम्परेचर हम लोग मेज़र कर रहे हैं वो सी वाटर से कितना पास में है या दूर है। सो ये सब फीचर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट के लिए, ठीक है। सेम वे वेदर के लिए भी, ओके। सो हम लोगों को यहाँ पे देखो एक टेबल बताया है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर का जो है टेम्परेचर डे का है डेली, वो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है देखो, और सेम वे केरला का भी दिया है। सो देखो मैंने जो एग्जांपल दिया ना, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे नंबर्स में हो सकता है, बट उसको एक एग्जैक्टली नंबर को मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया है कि वेरिएशन क्या रहा है वो, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर मत समझना, ठीक है, ओके। सो देखो यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स वेदर एंड क्लाइमेट क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्या है, ओके।